तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग का सूर्या टेक्निकल चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में आपसे बात करेंगे कि फाइल कैसे बनाता है, यानी कि लैपटॉप में हम लोग फाइल कैसे क्रिएट करते हैं। फाइल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको दिस पीसी में जाना होगा, और दिस पीसी अगर आपके होम पेज पे है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस पीसी इसमें पहले से है। अगर आप में नहीं है तो आपको नीचे आना है सर्च में, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है सर्च, तो आपको सर्च पे जाइएगा और यहाँ पे आपको लिखना होगा दिस पीसी। चाहे डायरेक्ट आप लिखिएगा दिस पीसी फाइल, चाहे कुछ भी लिखिएगा तो आ जाएगा। तो यहाँ पे सर्च में देख सकते हैं और यहाँ पे आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो दिस पीसी जैसे खुलेगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार इंटरफेस हो जाएगा, और आप देख सकते हैं आपके सामने होम डैशबोर्ड ओपन हो चुका है दिस पीसी का। उसके बाद आपको फाइल क्रिएट करने के लिए कोई भी एक फोल्डर सेलेक्ट कर लेना, चाहे इसमें बनाना चाहते हैं फाइल, चाहे इसमें बनाना चाहते हैं, चाहे इसमें बनाना चाहते हैं, कोई भी इसमें फाइल आप बना सकते हैं। चलिए हम इसमें फाइल बना करके आपको दिखलाते हैं कि फाइल कैसे क्रिएट किया जाता है। जैसे हम इस पर क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे आपको फाइल क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे आपको ये सादा क्लिक है, तो यहाँ पे आपको सादा क्लिक पे ही क्लिक कर लेना है, ठीक है। आपको सादा क्लिक करने के माउस को क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो माउस है, माउस के आपको दो बटन होगा, यहाँ पे आपको ये बटन होगा और एक ये बटन है, ये हो गया दायाँ हो गया और एक बायाँ हो गया। आपको नया फाइल बनाने के लिए सिंपली आपको इधर वाला बटन को आपको क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर हम जैसे इसको दबाएंगे तो वहाँ पर आप क्रिएट का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर दबाएँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको ये क्रिएट आ गया। अब इस पर फाइल बनाना बोल रहा है, तो फाइल कैसे बनाना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले नीचे जाना है, यहाँ पे एक है न्यू। जैसे हम इस पर न्यू पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले न्यू पे ला करके छोड़ेंगे तो यहाँ पे आप बोला है फोल्डर बनाने के लिए, तो सबसे पहले चलेंगे फोल्डर पर। आप देख सकते हैं तो आपको जाना सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर, तो लिखा है फोल्डर, यहाँ पर आपको फोल्डर पर सिंपली क्लिक करना है। जैसे क्लिक किया तो यहाँ पर बोला है न्यू फोल्डर, फोल्डर का नाम जो रखना चाहते हैं तो आप नाम भी रख सकते हैं, और दूसरा नाम रखना चाहते हैं तो दूसरा भी रख सकते हैं। चलिए हम कुछ भी लिख देते हैं, चाहे एम के चाहे कोई भी चीज़ हम फाइल लिख देते हैं। जैसे मैं एम के लिखा गया, यहाँ पे फोल्डर बन चुका है, ठीक है। अब इस फोल्डर को हमको डिलीट करना है, ठीक है। इस फोल्डर के अंदर कुछ नहीं है, तो सिंपली आपको डिलीट करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे गया हुआ है एम के लिखा करिए फाइल, यहाँ पे आपको आ गया हुआ है, ठीक है। अब फाइल बन गया हुआ है, अभी फाइल को है ना रीनेम कैसे करना है। जैसे हमने फाइल एम के लिख दिया तो इसको रीनेम कैसे करें, ठीक है। इस पर क्या करें, आपको फिर से राइट क्लिक करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको राइट क्लिक कर लेना, माउस को दायां वाला बटन को टिपना है। जैसे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे फिर आपको नीचे बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे तो आपको नीचे ऑप्शन आ जाएगा रीनेम का। सिंपली आपको क्या करना है, रीनेम पे यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे रीनेम पे क्लिक कीजिएगा तो फिर से आप नाम सकते हैं एन के यू वाई टी, कुछ भी आप अपना नाम इसमें रख सकते हैं, ठीक है। अब इसको इंटर दबा दिया तो फिर से आपका एन से ये नाम क्रिएट हो गया। अब ये हो गया, अब इस फाइल को डिलीट कैसे करना है, जैसे इस पर भी राइट क्लिक करना है, जैसे यहाँ पर हम किए थे, फिर यहाँ पर आपको राइट क्लिक कैसे पे करना है, जैसे वहाँ पे आप कीजिएगा तो यहाँ पे आपको राइट क्लिक कीजिएगा तो फिर यहाँ से ऑप्शन आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा यहाँ पे आपको डिलीट, तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से फाइल डिलीट हो जाएगा। अब इसमें इनके फाइल ख़त्म हो गया, अब फाइल हो चुका है डिलीट। उसके बाद एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि मिनिमाइज मैक्सीमाइज क्या होता है। यहाँ पर आपको बहुत से लोगों को कॉन्फिडेंस रहता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ऊपर यहाँ पर आपको तीन चीज़ नज़र आ रहा है, एक माइनस है, एक दो जैसा है और एक इकतीस का ऑप्शन है। तो आप जैसे इस पर इकतीस का ऑप्शन पे क्लिक करिए, फाइल यहाँ से ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, ठीक है। उसका इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सिंपली आपको ये फाइल आपको होम डैशबोर्ड पर ले जाएगा। तो यहाँ से आपको जो भी फाइल चलता रहेगा वो सब नीचे टास्क बार में ये सब शो होता रहेगा। उसके बाद जैसे यहाँ पर हम आते हैं फिर से, तो देखिए ये फाइल ओपन हो जाता है। और मैक्सीमाइज का मतलब यहाँ पर देख लीजिए, दो नंबर पर अगर आप क्लिक करते हैं यहाँ पर रीस्टोर डाउन, तो ये हमेशा साइज थोड़ा हल्का छोटा हो जाता है। तो आप लोग ये चीज़ आप सीख गए हैं, और अगले वीडियो में आपको सिखाएंगे कुछ नया तरीका। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।